शहर के कलमना पुलिस थाना अंतर्गत हाल ही में एक 12 वर्षीय मासूम के साथ अनैतिक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना के मुख्य आरोपी अक्षय चमड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो भी पुलिस हिरासत में है। वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ और भी शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ऐसा ही एक खंडनी होने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी अक्षय उर्फ चमड़ा लक्ष्मण रंजीत गुलशन नगर निवासी के खिलाफ कलमना पुलिस थाने में मामला दर्ज ही था। इसी बीच अक्षय के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गत 13 तारीख की रात करीब 10 बजे 16 वर्षीय किशोर बस्ती में एक धार्मिक स्थल के पास बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी अक्षय वहां आया और किशोर से 100 रुपए शराब पीने के मांगा। नहीं देने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। इससे घबराए किशोर ने उसे 100 रुपए दे दिए। किशोर ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। पूछताछ करने पर उसने घटना के बारे में अपने पिता को बताया तो मामला थाने पहुंचा। सूरज रजक नावाचा मुलगा आहे, आपण गुलशन नगर मध्ये राहतो। गेल्या रविवारी म्हणजे 13 तारखेला त्याला अक्षय चामळा वगैरे भेटला आणि चामळा हा एरियात थोडं दादागिरी करतो म्हणून त्याने त्याला सांगितलं सूरजला की मैं मुझे दारू के लिए एक निपला नहीं तो मैं तुझे तेरे माँ का बाप को मारूंगा। हाँ असं म्हणून हा नको याचा ससी मेरा आपल्या पाठीमागे नको म्हणून त्याने त्याच्यातले 100 रुपये दिली आणि वडिलांना वगैरे सांगितलं आणि त्याला मारधोड वगैरे पण केली त्याने। तू जर नाही मला पैसे दिले तर तुला किंवा वडिलाला मी सोडणार नाही असं म्हणून अक्षय चांबळ्याचा खूप धाक होता म्हणून तो घाबरला की 100 रुपयासाठी आपण काय तक्रार द्यायचं नाही। परंतु गेल्या रविवारीच अक्षय चांबळाने एक गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला। तो आमच्या पोलीस स्टेशन लॉकअपमध्ये आहे म्हणून त्या एरियातले जे नागरिक आहेत त्यांचं थोडं बळ आलं आणि ते परत अक्षय चांबळ्याविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी काल आले होते म्हणून अक्षय चांबळ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला 384-86 प्रमाणे आणि तो पोलीसच्या लॉकअपमध्ये वगैरे आहेत। लोकांनी खूप समाधान व्यक्त केलं। सदर जी कारवाई म्हणजे आमचे पोलीस नागपूर पोलीस दलाचे प्रमुख माननीय अमितेश कुमार सर, सीपी सर, आमचे जॉईंट सीपी मॅडम दुर्जे मॅडम, श्रीमती दुर्जे मॅडम, तसंच आमचे रिजन सर नवीनचंद्र रेड्डीजी, तसेच आमचे डी सी पी सर आणि एस पी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने करण्यात आलेली आहे। आरोपी लॉकअपमध्ये आणि तपास करून आम्ही पी सी आर वगैरे घेऊ। बता दें कि मंगलवार की रात अक्षय के खिलाफ वसूली का एक और प्रकरण दर्ज किया गया। फिलहाल अक्षय पुलिस की गिरफ्त में है। 20 फरवरी 2022 को उसने अन्य एक किशोर से अनैतिक कृत्य किया था। इस मामले में पुलिस ने अक्षय को 21 तारीख को गिरफ्तार किया, अदालत में पेश कर उसे 24 तारीख तक पीसीआर में लिया गया है। कलमना थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विनोद पाटिल ने बताया कि अक्षय के खिलाफ विविध 10 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद वसूली के मामले में अक्षय को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवा, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।